जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CSIR में, जो CSMCRI जो क्या है आपका CSIR, तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून से बैकेंसी टेक्नीशियन की 51 पोस्ट आपके लिए दी गई है जो गुजरात में आपके लिए दी गई। यहाँ पे 20 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है। डिप्लोमा वाले और ITI वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको डालना होगा ईमेल आईडी। तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। एंड यहाँ पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर की मोड स्पेशल करेक्टर। तो इस तरीके का पासवर्ड आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका रजिस्टर्ड का ऑप्शन, तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा। एंड आपने रजिस्टर्ड पर क्लिक कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिखाई देगा आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है दोबारा डालनी होगी। एंड नीचे पासवर्ड दिखाई देगा तो पासवर्ड डाल देना है। एंड आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अच्छे से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। वहीं पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको एप्लीकेंट नेम डालना होगा। वहीं पूछता आप अपना नाम चेंज तो नहीं किया, तो आपको नॉर्मली नो छोड़ देना है। वहीं आपको पूछता है आपका फादर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड मदर्स नेम क्या है वो आपको फिल करना होगा। करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट है, मंथ है, ईयर है, तो इस तरीके से अपना डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था वो आपको जगह डालनी होगी। उसके बाद आपको पूछता है जेंडर, आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपका रीजन पूछता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो वो आपको डालना होगा। एंड उसका पूछता है कैटेगरी जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पूछता है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब इश्यू हुआ है, वो इश्यू डेट यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। एंड उसका पूछता है CSIR एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता अगर है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। वहीं मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में आपका विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है आपके एरिया का, वो आपको डालना होगा। वहीं परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस भी आप अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अल्टरनेटिव कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। उसका पूछता है आपका कोई रिलेटिव CSIR में जॉब करता है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आता है प्राइमरी डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आप व्यू करके देख सकते हैं आप प्राइमरी डिटेल नॉर्मली यहाँ पर आपको अपना चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं। उसके बाद आपको मेन पर जाना होगा, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। वो कहता है वुड यू लाइक टू अप्लाई मल्टीप्लाई चॉइस, तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ओके करना होगा। तो यहाँ पर आप किस किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर क्या है आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एलाइड फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप जो है यहाँ पर कोई भी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना होगा, सबमिट कर देंगे एंड आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा आपका पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन करना होगा, आपको 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है, एंड स्ट्रीम क्या है वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सब्जेक्ट स्टडी थी टॉपिक, तो आपको जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ी थी वो आपको डालनी होगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थी वो आपको डालिए, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज कितना है वो आपको डालना होगा, किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना है। वही पूछता है स्टडी आपने रेगुलर किया है, प्राइवेट किया है, वो आपको डाल देना है। एंड वही आपको सेम पोजीशन में ही 12th का रिकॉर्ड भी
देना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कोई भी गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सेम पोजीशन में ही आपको अपना डिटेल जो है यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सारी डिटेल जो है सबमिट करनी होगी। वही आपको डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा डाल देंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, कौन सा सब्जेक्ट से किया है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आप डाल देंगे, एंड कौन सा मीडियम है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज क्या था वो आपको डाल देना है, एंड किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपका जो जो डिटेल है वो आप फिल कर देंगे एंड उसका एड रू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है आपके पास आपका रिसर्च है, आपके पास कोई आपका आपने कोई कोर्स किया है अलग से तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको क्या है यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आपको क्या है सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। एंड आपको यहाँ पर पूछता है कि आपने जो इसमें जॉब है आपको रिलेटिव एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है, एंड आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, एंड सबमिट करेंगे तो आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे क्या आपको देखिए सारी डिटेल फिल हो चुकी है, तो आपको क्या है सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट करेंगे तो सबमिट पे आपको पूछता है एनी अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन विच कैंडिडेट मेंशन, तो आप किसी पर्सनल आदमी के अपना डाटा जो है दे सकते हैं। यहीं पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में उच्च क्वालिटी में होना चाहिए, फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का एवं लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आपका कंपलसरी अच्छा है तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फोटो हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, वहीं आपको दिखाई देगा अपलोड सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊँ, 10th 12th ITI जो भी आपने कोर्स किया है तो वो सारे कास्ट सर्टिफिकेट तो एक ही PDF बना के आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, उसको आपको प्रिंट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।